हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसे मालपुआ कहते हैं। बिहार में इसे पुआ कहते हैं, बहुत जगह इसे गुलगुला भी कहते हैं, लेकिन मालपुआ भी कहते हैं। तो आइए इस रेसिपी को जानते हैं कैसे बनाते हैं बिना चाशनी के। तो हम आपके सामने देख रहे हैं कि मैंने लिया हुआ है चीनी, और ये है मैदा लिया हुआ है मैंने एक कटोरी, और ये एक कटोरी से थोड़ा कम सूजी लिया हुआ है, और ये मैंने किशमिश, छुआरे और थोड़े से बादाम को काट लिया है। देख सकते हैं, बादाम है, किशमिश है और ये छुआरा है। और हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और ये एक केला लिया है, बस मैंने एक केला लिया। अगर आपके पास छोटा छोटा केला हो तो दो ले लें, तो मैंने एक लिया हुआ है क्योंकि ये बड़ा है। और पानी की जरूरत पड़ेगी, पानी भी मैंने ले रखा है। तो आइए कैसे बनाते हैं इसे जानते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। तो आइए हम रेसिपी को बनाते हैं। तो देख सकते हैं, ये जो की सूजी मैंने लिया हुआ है, एक कटोरी से थोड़ा सा कम है, तो हम इसे सूजी डाल देंगे इसमें भगोने में। और फिर ये जो कि मैदा लिया हुआ है मैंने एक कटोरी, और एक कटोरी मैदा भी भगोने में डाल देंगे। और ये मैंने चीनी ली हुई है एक कटोरी से थोड़ी कम, ये भी डाल देंगे। अगर कम ज्यादा लगे तो कम ही डालें, मैं थोड़ी सी कम डाल रही हूँ। और ये जो कि मसाला मैंने जो कि काट के रखा था, किशमिश, छुआरे और बादाम, मैं इसमें डाल देती हूँ। अगर आपको किशमिश, छुआरे, बादाम और डालने हो तो और डाल सकते हैं, चीनी थोड़ा और डालना हो तो डाल सकते हैं। और ये जो कि एक केला मैंने बताया आपको, एक केला, अगर आप ज्यादा बना रहे हो, अगर एक एक कटोरी पूरा बना रहे हैं तो आप दो केला भी ले सकते हैं। अगर आप इतना ही बना रहे हैं तो अगर आपके पास छोटा छोटा केला है तो दो ले लें, मेरे पास बड़ा केला था तो मैंने एक ही लिया। इस केले को इसमें डाल देते हैं और फिर इसे अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया है धीरे धीरे, आप भी पानी डाल के इसे मिक्स कर लें। मैंने इसे मिक्स कर लिया है, इसे ना ज्यादा पतला करना है ना ज्यादा मोटा करना है। जिस तरह हम पकोड़े बनाते हैं तो हम थोड़ा टाइट रखते हैं, तो बस पकोड़े से थोड़ा सा नॉर्मल करना है। जिस तरह पकोड़े बनाते हैं थोड़ा और उसमें पानी डाल के थोड़ा पतला कर दें, उस तरह हमें बनाना है। आप देख सकते हैं मैंने बना लिया है इसे। इसमें मैंने घी, तेल वगैरह कुछ नहीं डाला है, जैसे मैंने आपको बताया पानी डाल के इसे मिक्स करना है वैसे ही मैंने इसे मिक्स किया है। तो आइए इसे बनाते हैं। हाँ, बनाने से पहले हम इसे अब तुरंत नहीं बनाएंगे, कम से कम एक घंटे तक हम इसको इसी तरह ढक के छोड़ देंगे, उसके बाद एक घंटे के बाद हम इसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हम कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तेल गरम हो चुका है। तो ये जो कि मैंने मलपुआ के लिए ये बनाया था, अब इसे हम डालेंगे कढ़ाई में। कैसे डालते हैं वो देखिए आप, ऐसे चम्मच में लेना है ऐसे, और इसे कढ़ाई में ऐसे डाल देना है। ज्यादा बड़ा नहीं करना है, इसे छोटा छोटा करके इसे डाल देना है। ऐसे करके इसे पकने देना है। फ्लेम ज्यादा नहीं करना है गैस का, कम ही कर रखना है। देख सकते हैं मेरा फ्लेम कम है, कम फ्लेम में इसे पकाना है। तब इसे पकने देंगे। देखिए, अब मैं इसे पलटा रही हूँ, अभी इसे कुछ कुछ मिनट में पलटाते रहे। देखिए, अब धीरे धीरे ये लाल हो रहा है। याद रखिएगा, फ्लेम आपको गैस का बहुत कम रखना है, जैसे मैंने रखा है मीडियम में। अब इसे पलटा देंगे, अब ये लाल हो चुका है, अब हम इसे निकाल देंगे। इसी तरह आपको लाल करना है, लेकिन याद रहे एकदम मीडियम फ्लेम में इसे लाल करना है। मैंने भी कर लिया इसे, हम अब इसे निकाल लेंगे, इसी तरह आपको भी करना है। फ्रेंड्स, ये मेरा मालपुआ बनकर तैयार हो गया है। ये मैंने सूखा मालपुआ बनाया हुआ है बिना चाशनी के, एक चाशनी में डाल के भी मालपुआ बनता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें। थैंक यू।